हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितिका का ढाबा। तो आज हम डोमिनोज स्टाइल में चिली फ्लेक्स और सीजनिंग्स घर पे ही बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कुछ मसालों की ज़रूरत है। इनमें से कस्तूरी मेथी, यहाँ पे मैंने कड़ी लीव्स लिए हैं जो कि मैंने ड्राई करके मैं इतने प्रिजर्व करती हूँ, आप चाहे तो ताज़ी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ जीरे लिए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ काली मिर्च लिया है, खड़ा धनिया और चार खड़े लाल मिर्च। अब मैं इनको, अगर आप इनको अलग अलग बनाना चाहते हैं, चिली फ्लेक्स और सीजनिंग्स अलग अलग बिल्कुल बना सकते हैं, तो सारे मसालों को मैं पहले लाइटली रोस्ट करूंगी और उसके बाद फिर इसको ठंडा करके मिक्सी में पीसूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई को मैंने फुल फ्लेम पे गर्म होने दिया है। जैसे ही हमारा कढ़ाई गर्म हो जाए तो मैं हमारे जो सारे मसाले हैं इसको मैं लाइट रोस्ट करूंगी। उसके बाद हम बस इसको चिली फ्लेक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब मैं सारे मसाले एक साथ ही कढ़ाई में डाल दूंगी। हमें मसालों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो तो आप इमिडिएटली गैस को ऑफ कर दें। यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूंगी और हमारे मसाले को ठंडे होने के लिए छोड़ दूंगी। अब अगर आपको चिली फ्लेक्स और सीजनिंग्स अलग अलग बनाना है, तो जैसे ही मसाले आपके ठंडे हो जाए तो आप इसमें से जो खड़ी मिर्च है उसको अलग पीस लें और जो हमारी बाकी के सीजनिंग्स मसाले बचे हैं उसको अलग पीस लें। हमें बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है, हमें बिल्कुल दरदरा मसाला चाहिए, यानी आपको मिनिमम 10 सेकंड के लिए मिक्सी चलाना है। अब आप बिल्कुल इसको ठंडा होने दें, ठंडा होने पर थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा और आप इसको प्रिजर्व भी कर सकेंगे। फिर यहाँ पे देखिए मैंने कितनी दरदरी में करके इसको मिक्सी में चलाया है। मैं चिली फ्लेक्स और सीजनिंग्स दोनों को मैंने साथ में बनाया क्योंकि मेरे घर में सब स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो आपके बड़े बड़े दाने मिर्च के जो ऊपर के छिलके रह जाए आप उसको हटा लें अलग, अगर नहीं हटाना चाहते आप साथ में भी रख सकते हैं। चिली फ्लेक्स सीजनिंग्स जो होती है वो नमकीन होती है, लेकिन चिली फ्लेक्स नमकीन नहीं होती है, तो अगर आप चिली फ्लेक्स अलग बनाते हैं तो उसमें नमक ना डालें, लेकिन आप सीजनिंग्स में ब्लैक सॉल्ट काला नमक ज़रूर मिलाएं। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में 1-2 महीने तक के लिए भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा डोमिनोज स्टाइल में सीजनिंग तैयार है। आप पिज़्ज़ा बनाइए, पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं जल्द ही आपके लिए लाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको शुक्रिया।